फ्रेंड्स, मैं प्रभजोत कौर संधू। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इजीएस्ट वे क्या है गाजर के गाजर का हलवा बनाने का, और बहुत जल्दी बनता है और बहुत टेस्ट। क्योंकि अगर हम दूसरी तरफ जो ट्रेडिशनल वे है उस तरह बनाएं तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर हमारा मन है कि हमने खाना है और जल्दी बनाना है तो बहुत जल्दी बन जाता है। इसके लिए क्या, हमने एक पैन रखा है इंडक्शन पर, और उसमें थोड़ा सा लगभग एक बड़ा चम्मच डालेंगे देसी घी का। और इसमें डालेंगे गाजरें, करता है कि आप कितना हलवा खाते हैं। कई लोग भर भर के खाते हैं प्लेटें, और कई लोग कम। और हाँ, दूसरी बात ये है कि मैं चीनी यूज़ नहीं करूँगी। वैसे भी मैं अपनी किसी भी रेसिपी में चीनी का प्रयोग नहीं करती, ना रिफाइंड का। मैं प्रेफर करती हूँ या तो सरसों का तेल खालिश होगी, तो या फिर घर का बना हुआ देसी घी। अब इनको क्या करना है कि अच्छे से भूनना है। नरम होने तक भूने हैं। फ्रेंड्स, मुझे घी मैंने थोड़ा और डाला क्योंकि मुझे कम लग रहा था थोड़ा सा, तो इसको अब हम भूनते हैं अच्छे से। आप सबको पता है कि गाजर खाना सेहत के लिए कितने अच्छा होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है जो कि आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। कच्ची गाजर हर कोई नहीं खा सकता, तो डिफरेंट वे से खाइए। जैसे अब मैं ये बना रही हूँ, क्योंकि अगर हम दूसरा अगर ट्रेडिशनल वे से गाजर का हलवा बनाते हैं पूरा दिन निकल जाता है उसमें, तो हम कई बार फिर बना भी नहीं पाते क्योंकि घर के कामों में टाइम भी नहीं मिलता। तो ये इजीएस्ट वे है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ऐसे ही बनाऊँ और बच्चों को दूँ खाने के लिए, और ये बहुत अच्छा बनता है। मैंने अच्छे से ग्रेट किया था इनको, जो बारीक वाला होता है उस ग्रेट करने वाला इंस्ट्रूमेंट जो होता है उससे किया था। कई लोग ग्राइंड भी कर लेते हैं गाजर को, वो भी अच्छा तरीका है। और मैं इस तरह से मैं इसमें डालूँगी शक्कर का, गुड़ वाली शक्कर, और थोड़ा सा और ताकि सब लेदर आ जाए गाजर। ये मैंने 2 चम्मच ही डालने लगी क्योंकि गाजर थोड़ी सी ज़्यादा लगी है। साथ ही डाल दूंगी और ये मेवे हैं सूखे मेवे, इनको मैंने पानी में भिगो कर रखा था। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनता है ये हलवा, और झटपट बनता है। क्विक मेथड है ये बनाने का। और अगर आपको थोड़ा सा इसमें दूध का टच देना है तो जब ये बन जाए तो उसमें थोड़ी सी मलाई डाल लीजिए, और इतना टेस्टी लगता है। ये ऐसे भी खाएंगे तो अच्छा लगेगा, और मलाई भी डालेंगे तो अच्छा लगेगा। ये तब तब तक भूनना है जब तक गाजरें घी नहीं छोड़ती,
गाजरें जब घी छोड़ने लगे तब सब्जियों की ये बस बनने वाला है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, बादाम डाल लें, काजू डाल लें। तो मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, इसलिए मैंने बादाम वगैरह नहीं डाले इसमें। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको पचते हैं तो आप डाल लें। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है मेरा झटपट गाजर का हलवा। इसमें आप मलाई डालें, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं बहुत सालों से ये बना रही हूँ और बहुत पसंद किया जाता है हमारे घर में। दूसरा बल्कि नहीं खाना पसंद करते मेरे बच्चे, क्योंकि वो बोलते हैं उसमें गाजर में रह ही क्या जाता है इतना भून भून के। तो आप भी बनाइए, सबको खिलाइए, खुश रहिए और खुश रखिए सबको। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है मेरी वीडियोज़ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने का, धन्यवाद।